जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि नवरात्रि के आखिरी दिन आपको व्रत का पारण किस तरह करना है, कलश या फिर पूजन सामग्री जो आपने पूजा में प्रयोग की हुई है उसका विसर्जन किस तरह करना है, दुर्गा माँ की पूजा करते समय आपने जितनी भी सामग्री का प्रयोग किया है उसका आपको क्या करना है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नवरात्रि के व्रत के समापन और कलश विसर्जन की पूरी जानकारी दे सकूं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न जरूर होंगे कि जो भी कलश की स्थापना आपने की हुई है या जो भी पूजन सामग्री आपने प्रयोग की हुई है उसका विसर्जन किस दिन किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि अगर आपने नवरात्रि के अष्टमी पूजन तक का संकल्प लिया हुआ है तब आपको विसर्जन नवमी की तिथि के दिन करना चाहिए, और अगर आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखने का संकल्प लिया हुआ है तब आपको दशमी तिथि के दिन पूजन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कलश में स्थापित नारियल को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, कलश के अंदर भरे हुए जल का क्या किया जाता है, इसके साथ ही माँ दुर्गा को चढ़ाए गए श्रृंगार का क्या करना है, जो ज्वारे आपने बोए हैं अब तक हरे हो चुके होंगे उसका अब क्या करना है, इसके साथ ही जो अखंड ज्योत आपने जलाई है उसका क्या करना है, कलश के ऊपर मिट्टी की प्लेट में जो चावल आपने रखे हुए हैं या जो भी अक्षत आपने चावल प्रयोग किए हुए हैं पूजन सामग्री में, चाहे वो अष्टदल कमल बनाने के लिए किए हुए हों या किसी भी वजह से प्रयोग में किए हुए हैं, तो आप उनका क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, कलश स्थापना कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अखंड ज्योत किस तरह जलाई जाती है, इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि कलश विसर्जन करते समय या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन आपको करना है उसके बारे में आपको सही से जानकारी मिल सके। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं स्थापित कलश की। जो भी सामग्री आपने कलश स्थापना में प्रयोग की हुई है, चाहे वो जल हो या जो भी सामग्री है, उसका अब आपको क्या करना है। दोस्तों, जो नारियल होता है उसे लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है, श्रीफल कहा जाता है, इसके साथ ही बहुत ही शुभ रहता है। बहुत सारी जगह पर इस नारियल का भी विसर्जन कर दिया जाता है सभी पूजन सामग्री के साथ साथ, लेकिन बहुत सारी जगह पर कन्या पूजन के समय इस नारियल को तोड़कर इसका प्रसाद सभी कन्याओं में बांटा जाता है, सभी सदस्यों में बांटा जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। आपके यहाँ इन दोनों में से जो भी रिवाज हो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वैसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वारों की, क्योंकि जो ज्वारे आपने बोए थे अब तक हरे हो चुके होंगे। दोस्तों, ज्वारे बहुत शुभ होते हैं क्योंकि आपने माँ दुर्गा की पूजन सामग्री में इनका प्रयोग किया है, इसके साथ ही यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसलिए आज के दिन ये जो ताजे ज्वारे होते हैं इनका प्रयोग, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद समझकर आप इन ज्वारों को ग्रहण कर सकते हैं, सभी पारिवारिक सदस्यों में भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो बचे हुए ज्वारे हैं उनमें से थोड़े से ज्वारे आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन ज्वारों को अपने घर की तिजोरी में या फिर जिस जगह भी आप पैसे रखते हैं वहां पर रखने से धन में बरकत होती है। बाकी बचे हुए ज्वारों को आप किसी गाय को खिला दीजिए। ध्यान रखना है कि गाय को खिलाते समय जो भी ज्वारे हैं वो सड़क पर या कहीं भी इधर उधर बिखरे हुए ना रह जाएं। अब अक्षत का आपको क्या करना है, पूजा में प्रयोग में आए हुए अक्षत आप चाहें तो अपने घर में उन अक्षत की खीर बनाकर आप खा सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें पक्षियों को भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इन अक्षत का प्रयोग उस समय नहीं करना है जिस दिन आपके घर में लहसुन प्याज का या फिर कोई भी तामसिक भोजन बना हो, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही पवित्र होते हैं अक्षत, माँ दुर्गा की पूजा में आपने इन्हें प्रयोग किया है इसलिए इनका पूरा सम्मान भी आपको करना चाहिए। आप जानते हैं कलश में भरे हुए जल के बारे में, क्या करना है आपको इस जल का। इस जल को आप सबसे पहले तो अपने माथे से लगाइए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल आप अपने घर में, अपने किचन में, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए।
उसके साथ ही आप इस जल को, तुलसी का गमला अगर आपके घर में है तो आप उसमें डाल दीजिए, नहीं तो इस जल को आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। ध्यान रखना है कि इस जल को आपको रोड पर या फिर नाली में नहीं गिराना है, किसी ऐसी जगह नहीं गिराना है जहाँ पर लोगों के पैर पड़ते हों। जल के लोटे में आपने जो हल्दी की गांठ डाली है उसका आपको क्या करना है? बहुत से लोग इस हल्दी की गांठ को अपने घर में भोजन में प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग इसका भी विसर्जन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी राय यही है कि अगर आप घर में भोजन में इस हल्दी को प्रयोग कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बने। जो सिक्का आपने डाला है या सुपारी आपने डाली हुई है लोटे में, आप उसे जल में से निकाल कर उसे भी अपने घर की तिजोरी में या फिर जिस जगह पर आप पैसे रखते हैं उसमें रख दीजिए। आपके धन में, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों बहुत सारे लोग अष्टमी और नवमी पूजन करने के बाद जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन नदियों में कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि श्रद्धा भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। इसलिए दोस्तों हमें किसी भी ऐसी सामग्री का विसर्जन जल में नहीं करना है जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो सकता है। इसके लिए आप पूजा में प्रयोग में आए हुए फूलों का विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी का विसर्जन जल में कर सकते हैं। दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए आपने जो भी तस्वीर या मूर्ति की स्थापना की हुई है उसे आपको अपने मंदिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें जल में प्रवाहित करते हैं तो उससे भी जल दूषित होता है। हो सकता है कि मेरी ये बात भी आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन दोस्तों कभी भी मूर्ति का विसर्जन आपको जल में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्ति बनाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रयोग में होती हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है। अगर आपको विसर्जन करना ही है तब आपको जब भी आप मूर्ति की स्थापना करते हैं घर में उससे पहले ही इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर में आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेकर आए ताकि उसका विसर्जन आप जल में आसानी से कर सकें। अब बात आती है कि माँ को चढ़ाए हुए श्रृंगार का क्या करना है। दोस्तों आपने माँ दुर्गा को जो भी श्रृंगार की चीज़ें अर्पित की हैं आपको उन्हें घर के बाहर किसी को भी दान में नहीं देना है, किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना है। इसलिए अगर आप सुहागिन हैं तो आप चाहें तो खुद भी इन सामग्री का प्रयोग कर सकती हैं, नहीं तो आप अपने घर में या अपने किसी रिश्तेदारी में किसी सुहागिन महिला को ये सब सामग्री गिफ्ट कर सकती हैं। इसलिए आप माँ दुर्गा के चरणों में सुहागिन सभी चीज़ों को रखिए, उनसे प्रार्थना करिए कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आपने व्रत किया है वो मनोकामना पूरी हो। इसके साथ ही माथे से लगाकर आप इन श्रृंगार की चीज़ों को वहाँ से हटा सकती हैं। दोस्तों एक और प्रश्न है जो बहुत ही खास है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या अखंड ज्योत से आरती की जा सकती है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अखंड ज्योत जिस दिन आप जलाते हैं, जिस जगह पर आप जलाते हैं उस जगह से आपको इस ज्योत को हिलाना नहीं चाहिए। आप घी के दूसरे दिए से आरती कर सकते हैं लेकिन इस दिए को आपको वहां से हटाना नहीं है। अखंड ज्योत जो आपने जलाकर रखी हुई है, आपने जितने दिनों का संकल्प लिया है, जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन आप अखंड ज्योत वाले दिए में कोई भी तेल या घी ना डालें, और जब तक ये तेल या घी समाप्त नहीं हो जाता तब तक उस अखंड ज्योत को जलते रहने दीजिए, और जब वह दिया शांत हो जाए तब आप उसे अपनी अगली पूजा में प्रयोग करने के लिए उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी धातु का दिया प्रयोग किया है तभी आप ऐसा कीजिए। अगर आपने मिट्टी के दीपक का प्रयोग किया हुआ है अखंड ज्योत जलाने के लिए तब आप इस दीपक का भी विसर्जन कर सकते हैं। जिस चौकी पर आपने माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की हुई है आप सबसे पहले माँ दुर्गा को तिलक कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उसके साथ ही आप उस प्रतिमा को वहां से हटाकर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी को वहां से हटा लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पर भी आपने अपनी कलश की स्थापना की हुई है, चौकी की स्थापना की हुई है, उस जगह पर आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जो भी पूजन सामग्री है वो एक साफ कपड़े से आपको हटानी है और उसके बाद आप उस जगह को ऐसे ही छोड़ दीजिए। उस जगह पर उस दिन आपको दिया जरूर जलाना चाहिए। कलश में प्रयोग हुए आम के पत्ते आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं या उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। पूजा वाली जगह पर आपको विसर्जन करने के तुरंत बाद ही पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। अब अगला और आखिरी प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने नवरात्रि के पूरे उपवास किए हैं या फिर पहला और आखिरी व्रत किया है उन लोगों को अपना उपवास क्या खाकर खोलना चाहिए। इसके लिए आपने कन्या पूजन के लिए जो भी व्यंजन बनाकर रखे हुए हैं जैसे कि हलवा, पूरी और चने,
आप सबसे पहले कन्या का पूजन कीजिए, अगर आपको हवन करना है तब आप हवन कीजिए, उसके बाद ही आप इस प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक पूजन सामग्री का विसर्जन ना हो जाए तब तक आपको लहसुन प्याज या फिर कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। दोस्तों जिस दिन आप विसर्जन करते हैं आपको उस दिन भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब हो सकता है कि आपको आपकी की गई पूजा का पूरा फल ना मिले। जो भी भोजन आप कन्या पूजन के लिए बनाते हैं उसमें भी आप सादा नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। कम से कम मसालों का प्रयोग आज के दिन आपको करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस बार महामारी की वजह से बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में कन्या पूजन करना बहुत मुश्किल है। बिना कन्याओं के पूजन के नवरात्रि की पूजा आप कैसे संपन्न करें, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे पहला कर्तव्य यह भी है कि आप कन्याओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आपके आसपास भी इस महामारी का प्रकोप है तब आप अपने घर पर कन्याओं को ना बुलाएं, और आप कन्या पूजन का जो भी भोजन है उसे आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए या फिर गाय को भी आप खिला सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग नवमी के दिन किसी वजह से कन्या पूजन ना कर पाए ऐसे लोग आने वाली पूर्णिमा के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन ही कन्याओं को दिया जाने वाला भोग भी मंदिर में आप दान में दे सकते हैं। दोस्तों यह थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।